ट्रंप प्रशासन भारतीय आईटी पेशेवरों को जानकारी होने वाले H-1B वीजा की लिमिट 10 से 15 फीसदी तय कर सकता है। इससे TCS, इंफोसिस और विप्रो जैसी प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों पर असर पड़ेगा। मारुति सुजुकी के कारों में डीजल इंजन बंद करने के फैसले के बाद रेनो ने भी डीजल कारें नहीं बनाने का फैसला लिया है। रेनो का कहना है कि वो अप्रैल 2020 से डीजल कार बनानी बंद कर देगी। मोटरोला ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन मोटरोला वन विजन को लॉन्च कर दिया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और पंच होल डिस्प्ले है। HDFC ने 1347 करोड़ रुपए में अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। HDFC अपनी अनुषंगी HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस में अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस का विलय करने जा रही है। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहण मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।